हेलो जी, हेलो, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी अपन जा रहे हैं जामा मस्जिद तक, दो तीन काम है उसको निपटा के आना है, और अपना आप तो वापस जा रहे हैं। जाने वाले को कौन दो, नहीं भेज रहे, क्या करेगा। तो बस अभी चल रहे, यहाँ से जाके कश्मीरी गेट मेट्रो पकड़ेंगे। अभी यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बन ही रहा है, अभी नहीं बना, कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। बस अभी मैं आया था जामा मस्जिद क्योंकि कल पापा वगैरह आना था, उनने होटल रूम बुक करने के लिए बोला। बस रूम कुछ ऐसा है, दो रूम बुक कर लिया, और यहाँ से भैया जामा मस्जिद अभी इसको बुक करते हैं, चले जाएंगे हमें तो, उनको आना है आज रात को। जामा मस्जिद आए और मोहब्बत शरबत नहीं पिया तो आया ही क्यों, मतलब। हेलो भाई, तो देखिए ये भाई लद्दाख से हमारे पास स्पेशल आए शरबत मोहब्बत पीने के लिए। ये देखिए कहाँ से हो जनाब, आप बताइए। कारगिल लद्दाख भैया। ये देखिए तो मोहब्बत के लिए लोग हमारे पास दूर दूर से आते हैं। ये देखिए जामा मस्जिद के सामने बिल्कुल एक नंबर गली के पास, बिल्कुल सीधे आइए हमारे पास। भाई एक नंबर मोहब्बत जाओ, इसका फेमस और मोहब्बत मजा। और कुछ भी बोलना चाहते हो? बिल्कुल क्यों नहीं, बहुत मोहब्बत में जितना बोले उतना कम है मोहब्बत। बहुत बढ़िया है भैया, टेस्ट एक नंबर, जैसा नाम वैसा टेस्ट। जान मोहब्बत मजा तीन चीजें डालते हैं। क्या क्या डालते हो इसमें? यार मोहब्बत मजा। सो हियर वी आर एट जामा मस्जिद और दिल्ली। ये रहा गेट नंबर वन, और ये रहा गेट नंबर टू, और ये रहा गेट नंबर थ्री। गेट नंबर वन के एग्जिट पे मिलता है आप लोगों को होटल एंड रेस्टोरेंट गेट, और गेट नंबर टू के एग्जिट पे मिलता है रेडीमेड गारमेंट की दुकान और मीना बाजार, और गेट नंबर थ्री जो है ना वो हमेशा क्लोज रहता है। और जामा मस्जिद का लंबाई जो है ना 40 मीटर लंबा है, और चौड़ाई 27 मीटर, और इन मीनारों के हाइट जो है ना 41 मीटर लंबा है, और यहाँ पे 25,000 लोगों की कैपेसिटी आने का। और यहाँ पे आप शॉर्ट्स वगैरह में नहीं आ सकते, अगर शॉर्ट्स वगैरह में आए तो जामा मस्जिद के जो मतलब देखने वाले बंदे होते हैं ऐसा कुछ कपड़ा पहना के देते हैं। और मतलब मैंने देखा था पिछले साल एक बंदा आया शॉर्ट्स पे तो मतलब उसका एंट्री नहीं हुआ, और मैंने पिछले साल देखा एक बंदा शॉर्ट्स में आया था उसका एंट्री नहीं हुआ, और उसको कुछ कपड़ा पहना के दे दिया, लेकिन उससे 5,000 ले लिया भाई। बाकी ये रहा जामा मस्जिद का 360 व्यू। और आप लोग फर्स्ट टाइम इधर आया तो जामा मस्जिद के इधर ऊपर भी घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए लगता है अलग से टिकट, जो कि यहाँ पे काउंटर है इधर से टिकट लेके जाना पड़ता है, और यहाँ से व्यू एक नंबर दिखता है बस। और बस अभी जामा मस्जिद से वापस जाएगा और आप लोगों को गेट नंबर वन से व्यू दिखाते हैं। ये रहा जामा मस्जिद गेट नंबर वन से व्यू। यहाँ पे सारे होटल हैं, रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे ऑटो स्टैंड भी है, और आप लोग जूता पहन के अंदर नहीं जा सकते हो। ये सनसेट हो रहा है, और ये रहा दिल्ली की ट्रैफिक, और दिल्ली जामा मस्जिद। बहुत लंबा ट्रैफिक है, ये देखो यहाँ तक नजर जा रहे हैं, वहाँ तक ट्रैफिक है। अभी मैं जा रहा हूँ जामा मस्जिद से वापस, और यहाँ पे सनसेट देखो क्या ही लग रहा है। और जामा मस्जिद में आ रहे तो थोड़ा संभल के रहना क्योंकि यहाँ पे जेब खतरों के चांसेस ज्यादा रहता है, और ये चीज़ मैं हवाबाजी में नहीं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले साल हमारे घर के दोस्त वगैरह आया था, उनका फ़ोन वगैरह जेब कतरों ने काट के ले गया था, तो मतलब थोड़ा संभल के रहना होगा इधर आए तो। और अभी जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ, तो फाइनली रूम पे पहुँच गया। रूम पे पहुँचते ही लेट गए क्योंकि कश्मीरी गेट से इधर तक का ट्रैफिक जो था नहीं, नया ट्रैफिक था क्या ही बताऊँ, ये कोई 7-8 किलोमीटर का रास्ता है लेकिन 40 से 50 मिनट तक ट्रैफिक में फंस के रह गया। और कोई चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके अपना बनने का, अनजान बन के नहीं रहने का।
तो आज के वीडियो को ये एंड करते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ओके बाबा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं बाबा।